हेलो स्टूडेंट, मैंने जैसा आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत सारे कंटेंट्स आपके लिए अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट एसएसटी के लिए अपलोड करूंगा, तो मैं आप सबके साथ एक बार फिर से आ चुका हूं अपने चैनल एजुकेशन हाइक पे, माई सेल्फ विपिन सिंह। और आज यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एजर्शन और रीजन के बारे में। एजर्शन और रीजन के भी एक या दो मार्क्स से ही आपके पेपर आएंगे, पेपर में क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा। और ये बहुत ही ईजी, इसे करने में कुछ भी नहीं है। केवल आपको इतना पता चाहिए, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं पूरे एसएसटी में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है हर एक टॉपिक को लेकर, तो एजर्शन और रीजन आपके लिए बहुत ईजी होगा। एक मार्क्स ये आपका फ्री का है। तो हम आइए एजर्शन और रीजन के बारे में जानते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज एजर्शन एंड रीजन। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमको दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करना है और जो ऑप्शन गिवन होंगे उनमें चूज करना है कि ए होगा, आर होगा, कि दोनों सही हैं। और अगर ए सही है तो ए के पीछे आर का रीज़न है। चार ऑप्शन होंगे, अभी उन ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। पहले ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं, जैसे कि द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंट हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये सही है। ये आपके ग्लोबलाइजेशन से है, आपके ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक्स का जो फोर्थ चैप्टर ग्लोबलाइजेशन है उससे ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हो गया तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बैरियर लगा दिया था। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि हमारे पर्टिकुलर कंट्री के जो फार्मर्स थे, हमारे पर्टिकुलर कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स थे, उनके प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया गया था। तो रीज़न क्या है इसके इसके पीछे रीज़न क्या था? देखिए रीज़न दिया है, द गवर्नमेंट कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्शन विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन के गुड्स अगर हमारे कंट्री में आएंगे तो हमारे इंडिजीनियर गुड्स को वो कम्पीट करेंगे, जिससे हमारे फार्मर्स के प्रॉफिट क्या होंगे, हमारे फार्मर्स के प्रॉफिट अनप्रोटेक्ट होंगे, प्रोटेक्ट नहीं रहेंगे, उनको लॉस होगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपके इंडियन गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का बैरियर कर दिया था। तो ये चीज़ें सही हैं। देखो एजर्शन जो दिया गया, जो स्टेटमेंट दिया गया था वो, और उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या ये रीज़न था कि फार्मर्स के या प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना, हाँ प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना और उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाना, ये रीज़न इसके पीछे है, इस एजर्शन के पीछे ये रीज़न है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंसर ए। ठीक, बोथ ए एंड आर आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए भी सही है, आर भी सही है, और जो ए है उसका एग्जैक्ट आपका जो क्या कहते हैं रीज़न है वो आपका आर है। ठीक, तो इसका आंसर होगा ए। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देर आर टू स्टेटमेंट मार्क द एजर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। एजर्शन में क्या कह रहा है? केरल हैज लो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। सबको पता है केरल का लो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है, ये स्टेटमेंट इसने दिया। ठीक, सेकंड, केरल हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। ठीक, ये कह रहा है क्या मतलब, केरल एक ऐसा स्टेट है, कह रहा है कि केरल जो ऐसा स्टेट है वहाँ पे क्या बेसिक हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है। हाँ, तो बिल्कुल सही है, इस केरल में हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी ये सब बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप अगर देखेंगे पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे या लिटरेसी रेट के बेसिस पे, तो केरल आपका अच्छा स्टेट है हमारे कंट्री का। और यहाँ पे इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट इसीलिए कम है क्योंकि यहाँ का जो क्या कहते हैं मेडिकल साइंस है, यहाँ का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो भी बहुत आगे है। तो इसका भी सीधा यही होगा कि ए एन आर आर टू एन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि एज इट इज़ यही पेपर में आ जाएगा। मैं इन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एजर्शन और रीजन को लेकर। मेरा यहाँ पे बताने का केवल इतना ही मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एज इट इज़ आपके बोर्ड पेपर में यही आ जाए। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने का केवल इतना मतलब है कि एजर्शन और रीजन के जो क्वेश्चंस आएंगे उन पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और आपने अगर सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है आप एजर्शन और रीजन को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी है। एजर्शन, नो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी नोट इन इंडिया। यस, ये चैप्टर आपके चैप्टर नंबर 3 है, मनी एंड क्रेडिट से। सो हाँ, मनी एंड क्रेडिट आपके इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 3, उससे ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्या कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू, नो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी नोट इंडिया। क्या कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में करेंसी नोट को इशू कर सकती है? नहीं, इंडिया में करेंसीज को इशू करने की अथॉरिटी केवल RBI के पास है। तो ये पहला एजर्शन था। इसका रीज़न क्या है? इन इंडिया ओनली RBI इशूज करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस पर्टिकुलर एजर्शन के पीछे ये रीज़न है। ठीक, यही रीज़न इस पर्टिकुलर एजर्शन के पीछे है। तो इसका भी आंसर एज इट इज़ वही होगा। ठीक, बोथ ए एन आर आर टू एन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क
इन रूरल एरियाज आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर। हाँ, सबको पता है कि एक ऐसी पॉलिसी थी जिसको लाया गया था जो क्या कहते हैं आपके रूरल एरियाज से लार्ज अमाउंट में पीपल अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में अर्बन एरियाज में माइग्रेट हो, तो उस माइग्रेशन को रोकने के लिए, क्योंकि अगर रूरल एरियाज से लार्ज अमाउंट में लोग माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में चले जाएंगे तो फिर प्रोडक्शन, हमारा जो प्रोडक्शन प्रोडक्शन क्वांटिटी है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रोडक्शन क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर पॉलिसी लाई थी। और इसके पीछे एक और रीज़न था कि रूरल एरियाज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना ताकि वो लोग अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के चक्कर में शहर ना जाएं। तो देखिए ये 2005 में ये जो आपकी पॉलिसी आई थी इसने कहा था कि 100 डेज का रूरल एरियाज में लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और इसके पीछे रीजन क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया मेड अ लॉ इंप्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। हाँ, सीधी बात है, जब ये पॉलिसी आई थी सबसे पहले ये 625 भारत के 625 जिलों में ये लागू हुई थी। और उसमें राइट टू वर्क के अंडर में लोगों को क्या दिया जा रहा था, ये पर्टिकुलर स्कीम के तहत उनको जॉब दी जा रही थी। ठीक, तो इसका भी वही होगा, बोथ है एनआर। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझेंगे, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसमें भी। देखिए जैसे कि कहा है, टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। सीधी सी बात है, तीन सेक्टर्स हैं इंडियन इकॉनमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। टर्शियरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो केवल सर्विस प्रोड्यूस करता है, ये किसी प्रकार का कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है। दैट्स व्हाई टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। रीजन क्या है, टर्शियरी एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रदर देन गुड्स। ठीक, टर्शियरी सेक्टर जो है या टर्शियरी सेक्टर्स में जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं वो केवल सर्विसेज देने वाली होती हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये भी सही है, इस assertion के पीछे भी यही रीज़न है। ठीक, तो इसका भी आंसर यही होगा, बोथ ए एन आर। अब देखिए आपको बात यहाँ पर ध्यान देनी है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए सब में यही था, लेकिन किसी में बी भी हो सकता है, किसी में सी भी हो सकता है, किसी में डी भी हो सकता है। कहीं कहीं पर आपको assertion गलत मिल जाएगा, कहीं कहीं पर आपको रीज़न गलत मिल जाएगा, या हो सके दोनों गलत मिल जाए। ठीक, या हो सके आपका ए assertion आपका ठीक है, आपका स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो रीज़न है वो सही नहीं है। कहीं कहीं पे आपका स्टेटमेंट गलत हो सकता है, रीज़न सही हो सकता है। तो पूरी तरीके से आपको क्या करना है, जितने भी चीज़ों को आपने पढ़ा है उनको माइंड में रखिए, बिल्कुल भी टेंशनाइज ना होइए, और इजिली इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ के करने की कोशिश करिएगा। एक या दो नंबर का इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके ये क्वेश्चन assertion और रीज़न से बनने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के, नए आने वाले नए वीडियो के साथ। ठीक है, अपने इसी चैनल पे आप लोग जुड़े रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे।